हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी 1 अगस्त से होने वाले एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अगस्त से जितने भी रेगुलर छात्र हैं उनकी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जब कम्प्लीट हो जाएंगे तब उनका CBT एग्ज़ाम होगा। पहले एग्ज़ाम के रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन इस बार प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में कुछ बदलाव किया गया जिसके कारण जल्द ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा जैसे एग्ज़ाम खत्म होगा। तो क्या वो बदलाव किया गया है, क्या है इसमें, पूरी जानकारी मैं बताऊंगी आपको आज इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी को पता है कि पहले जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग के हुआ करते थे उसमें कुछ इस तरह का पैटर्न था कि पहले आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलते थे, उसमें आपको चारों क्वेश्चन लिखने पड़ते थे पूरा प्रोसेस के साथ, उसके बाद किसी एक जॉब को परफॉर्म करके दिखाना होता था। फिर जब आपका जॉब कम्प्लीट हो जाता था उसके कुछ दिन बाद जो है आपका मार्क्स जो है वो भरा जाता था। लेकिन पिछले साल उसमें चेंज किया गया कि नंबर जो है ऑफलाइन माध्यम से सेम डे अपलोड करना होता था, उसके बाद तुरंत ही उसे ऑनलाइन भी करना होता था। इस बार क्या बदलाव किया गया है आइए हम देखते हैं। पहले प्रैक्टिकल में ऐसा होता था कि एक्सटर्नल का जो है लिस्ट खुद ITI वाले देते थे, और जैसे प्राइवेट ITI हो या गवर्नमेंट ITI हो, और जो एक्सटर्नल है वो खुद ही चुन के आते थे और वो एग्ज़ाम करवाते थे। इस बार क्या है, पहले जितने भी एग्जामिनर हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, उसे रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी नोडल ITI हैं वो उसे पहले अप्रूव करेंगे, उनके अप्रूवमेंट के बाद ही वो एक्सटर्नल जो है आपका एग्ज़ाम करवाएगी, और एग्ज़ाम का जो नंबर है जो भी मार्क्स है वो सेम डे उनका अपलोड किया जाएगा। और ये सब कुछ जो है आपके ITI जो नोडल ITI हैं उनके सामने होगा, चाहे वो मार्क्स अपलोड हो या फिर आपका एग्जामिनर का सिलेक्शन हो। तो इस बार जो है एग्ज़ाम में जितने भी एक्सटर्नल हैं पहले उनको खुद ब खुद जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसमें देखिए कुछ इस तरह का प्रोसेस है। जब एग्ज़ामिनर है पहले उनको अपना लॉगिन फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर एक उन्हें OTP आएगा, वो OTP फिर उसमें डालना होगा, फिर जा कर के साइड में देखिए अप्रूवल का नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा उनके जो नोडल ITI हैं उनके पास। उसके बाद जो है जैसे ही वो नोडल ITI के पास जाएगा उसे जो है एग्जामिनर को वेरीफाई जब हो जाएगा, सक्सेसफुली वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, उसके बाद जो है कैंडिडेट का लिस्ट भी आ जाएगा उनके पास, अटेंडेंस भी आ जाएगा और प्रैक्टिकल मार्क्स भी आ जाएगा जो भी कैंडिडेट है उनका। फिर जा कर के जो भी वो अपलोड करेंगे एग्जामिनर वो पहुंच जाएगा फिर नोडल ITI के पास, फिर नोडल ITI उसे अप्रूव करेंगे, तभी जाके आपका मार्क्स जो है वो अपडेट होगा। तो इस बार जो है प्रोसेस थोड़ा सा चेंज किया गया है पिछले बार के तुलना में, कि पहले एग्जामिनर को भी जो है वेरिफिकेशन करवाना होगा नोडल ITI से, फिर मार्क्स जो भी वो अपलोड करेंगे उसे भी पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर ही उसे अपलोड किया जाएगा टोटल डिटेल के साथ। तो ये बदलाव किया गया जिससे एक चीज़ तो अच्छा होगा, जो ITI के रिज़ल्ट हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, बहुत सारे लेवल के साथ जो है वो वेरिफिकेशन होने के कारण जो है रिज़ल्ट में भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अपलोड अच्छे से होगा तो कोई एरर नहीं आएगा, और एरर नहीं आएगा तो रिज़ल्ट जो है आपके जल्दी पब्लिश हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज़ किया गया है कि जो आपके मार्क्स वेरिफिकेशन है वो इतने स्टेप में वेरीफाई होंगे कि जो आपका मार्क्स जब भी आएगा उसमें कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे जब भी रिज़ल्ट पब्लिश होता है कुछ ना कुछ फर्स्ट टाइम में एरर ज़रूर रहता है। तो इतना लेवल में होने के बाद जो है जो एरर है उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, और आपका डेटा जो है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो है वो अपलोड होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि जहाँ फाइनल डेटा सबमिशन के बारे में लिखा हुआ है, ये फाइनल डेटा जब सबमिट हो जाएगा, जब एग्जामिनर नंबर वगैरह सब कुछ डाल देंगे, स्टूडेंट का पासकोड डाल देंगे, उनका अवार्ड शीट वगैरह सब कुछ अटैच कर देंगे स्टूडेंट का, उसके बाद देखिए जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा पासकोड वेरीफिकेशन, तो प्रैक्टिकल एग्जाम का मार्क्स जो है वो चला जाएगा नोडल ITI के पास, और नोडल ITI से वेरीफाई कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं आपको वेरीफिकेशन लिख रहा होगा, और तो अगर वेरिफिकेशन आपका तुरंत हो जाता है तो आपका तुरंत ही नंबर जो है वो अपलोड हो जाएगा, और आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, वो भी कहा जा सकता है कि बिल्कुल ना के बराबर एरर के साथ रिजल्ट अपलोड होगा, और ऐसे रिजल्ट अपलोड होने के कारण आपका रिजल्ट भी जो है जल्दी से आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मैं फिर से बता दूँ क्यों था ये वीडियो। तो आपके प्रैक्टिकल में बदलाव किया गया है, तो इस बार जो है जो एग्जामिनर है पहले उसे वेरीफाई करेंगे नोडल ITI, मार्क्स भी जो है 2-स्टेप वेरीफिकेशन होगा, पहला मार्क्स वेरीफाई करेंगे जो आपके एग्जामिनर होंगे वो, उसके बाद जैसे ही वो मार्क्स अपलोड कर देंगे इसका लिंक चला जाएगा, वेरीफिकेशन कोड चला जाएगा नोडल ITI के पास, फिर वो एक बार मार्क्स चेक करके उसे वेरीफाई कर देंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, अगर आप में से किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
आपके जो भी डाउट होंगे उसे मैं कोशिश करूंगी क्लियर करने का, सॉल्व करने का। और आईटीआई जुड़े सारी जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहिएगा आईटीआई इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ।